आज फर्स्ट टाइम मैं अपने फादर के साथ राइड कर रहा हूँ। आराम से भाई। तो जो आप ये वाला पहाड़ देख रहे होंगे सीधा वाला, ये तुंगनाथ का पहाड़, ये चोपता का पहाड़ है और उसके पीछे तुंगनाथ है। मजा आ रहा आपको राइड करने में है? बोलोगे कुछ तो बोलो यहाँ पे, यहाँ पे मजा आ रहा। लास्ट कंट्रा तो हम पहुंच गए, देखते हैं आगे का सफर कैसा रहेगा। तो मैं बोलता हूँ उत्तराखंड लद्दाख से कम थोड़ी है। ये देखो यार, इट्स अमेजिंग। थैंक यू भैया मदद करने के लिए। तो हो चुके राइड की शुरुआत और कर दिया पापा को भी हमने तैयार। तो कैसा लग रहा पहले टाइम राइड करके? ओहो, तो यार फर्स्ट टाइम राइड हो रही है हमारी अपने पापा के साथ और जाम जा रहे हैं। अभी आपको रास्ते में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं हम। तो हल्का सा कोल्ड स्टार्ट के लिए बाइक को रख दिया है और जो आज की राइड है वो छोटी मोटी नहीं है, पूरा दिन लगने वाला है उसमें आज। सो डर भी है कि पापा क्या बोलेंगे। अब धीरे धीरे ही चलानी पड़ेगी यार, ज़्यादा तेज़ तो चलाएंगे तो पीछे से लेट होना पड़ जाए बस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिवम व्लॉग्स। तो स्वागत करते हैं हम आपका हमारे व्लॉगिंग चैनल पे। चलो कंफर्टेबल हो? तो गाइस पूरे राइडर्स तैयार हो गए हैं। आज फर्स्ट टाइम मैं अपने फादर के साथ राइड कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यार बहुतों के सपने होते हैं कि अपने फादर के साथ राइड करने के, और जो मैं वो मेरा पूरा हो रहा है। तो जो आज का प्लान है, आज हम जा रहे हैं मंडल गोपेश्वर साइड जा रहे हैं। तो अभी तो सुबह के हो रहे हैं 6:30 और प्लान तो बन गया था 4 बजे निकलने का, पर मैंने लेट कर दी। मेरा गोप्रो रात को चार्ज नहीं था तो उसको चार्ज करने में टाइम लग गया था। बाकी तो लौंडे कर रहे हैं भर्ती की तैयारी। सवास। तो आई होप आज जाम ना लगे, क्योंकि आज तो वीकडे है नहीं, तो इसलिए मैंने बोला आज ही चलेंगे। और देख रहे हो कितनी खुशी की बात है, मेरे बाबा कल ही आ गए थे और मैंने बोला एक दिन भी नहीं रुकना है, राइड पे तो चलना है। सूर्य देव भी निकल गए हैं और हमारी राइड भी निकल पड़ी है। चलो चलो मित्रों, यार ये देखो यार कितना प्यारा लग रहा है सूरज निकलते हुए। नगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। तो पीछे बोर्ड में भी आ गया है, तो आप लोगों का भी स्वागत है मेरे ब्लॉग के थ्रू यहाँ पे। और भाई साहब तो ऋषिकेश की एंट्री भी पूरे क्रॉस करके होती है। ये देखो यहाँ पे ऋषिकेश जितना दिख रहा होगा आपको, तो बहुत बड़ा है, पर यहाँ पे भी गर्म बहुत है यार। आज तो गर्मी गर्मी की बातें निकलेंगी, ज्यादातर ठंडे इलाके में, क्योंकि हमने जाम लगा दे, जाम लगा दे, जाम। क्या पीठ दर्द हो रही है? अच्छा टांग ही दर्द। भैया हालत टाइट हो गई है थोड़ी बहुत, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे ये खोलो, ये अपना हाथ से खोल दो बस। क्या हुआ, कैसा लग रहा? है तो दोनों तरफ ना बंदी, कोई नहीं अभी तो शुरुआत है, इसके बाद चलेंगे फिर लंबी लंबी राइडों पे। अपने कहने का अब दोबारा शुरू कर दिया मैं अपने राइड और अब चलते हैं सीधा। यहाँ थोड़ा रुक के चलेंगे क्योंकि पापा पहली बार राइड कर रहे हैं और इससे पहले पापा ने कभी राइड करी नहीं है। भरोसे के साथ आया तो अच्छे से ही ले जाएंगे। इधर से ही चलते हैं यार, आगे से जाम हो जाएगा। तो भैया जी ये है ऋषिकेश और यहाँ होती है राफ्टिंग। देख सकते हो हर सुमो के ऊपर एक राफ्ट मिलेगी आपको, और जितनी भी यहाँ पे आधी ज्यादा सुमो जा रही है तो राफ्टिंग करने ही जा रही है।
आंटी जी उल्टी मत करो भाई, ये सीधा मुंह में लगेगी इनकी उल्टी वरना छी, इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। हल्के से रेस्ट के बाद अब दोबारा कर रहे हैं राइड कंटिन्यू। चलें, श्री राम के नाम से निकल चुके हैं वापिस। तोता घाटी जो उत्तराखंड की सबसे भयंकर रोडों में से एक है, खतरनाक रोडों में से, ये ज्यादातर रोडें बंदी रहती है तोता घाटी की। इसकी वजह से जो हम लोग हैं हमको टीरी से घूमते हुए जाना पड़ता है अपने गांव साइड चमोली साइड। तो इस रोड की खासियत ये है कि अगर यहाँ पे बारिश ज्यादा तेज आ जाए तो ये लैंडस्लाइड, पत्थर गिरते हैं ऊपर से, तो बहुत सारी गाड़ियां यहाँ से नीचे जा रखी है यार, बहुत सारी जैसे बोलते हैं। और आज तो हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमारे साथ गंगा है ऑल वेदर। अच्छा तो यार पापा के साथ राइड कर रहे हैं तो कुछ तो सीखने को मिलेगा ही बहुत सारी चीजें। तो कमेंट करके बताना अगर आपने भी अपने पापा के साथ राइड रूट करी है कभी, और अगर करना चाहते हो तो एक बार अपने फादर को बोलो कि यार किसी बहाने से हल्का सा घूम के ही आ जाते हैं। तो यार पापा भी खुश हो रहे हैं जब छोटे छोटे से बच्चे हाथ हिला रहे हैं। एक्चुअली इनकी पहली राइड है, तो इससे पहले तो कभी मेरे फादर ने राइड रूट करी नहीं, मेरे पापा को इतना शौक नहीं इन चीज़ों का। तो वो तो मैंने फोर्स करा कि प्लीज एक बार मेरे साथ चल लो बस, ठीक है, वरना ज्यादा बाइक में बैठते भी नहीं है। कोई बात ही नहीं है बाइक में बैठने की। तो नीचे गंगा देखो यार, कितनी प्यारी लग रही है, और जो जितना प्यारा लगता है वो उतना खतरनाक भी होता है। जितना भी आगे का व्यू लग रहा है इतना प्यारा लग रहा है, और आगे से सीधा स्वर्ग वाली रोड है, ये स्वर्ग वाली रोड है जिसे बोलते हैं। यहाँ देखो पहाड़, हर पहाड़ की अपनी खूबसूरती है, कुछ ना कुछ अलग मिलेगा हर पहाड़ में। राइड करते करते पहुंच चुके हम तीन धारा, यहाँ पे रुकती है सारे जितनी भी गढ़वाल जाने वाली बसें और सुमो होती हैं, सारी यहीं पे रुकती हैं, यहीं पे रुक के खाना खुना होता है। और हमने पीछे ही खा लिया था तो इसलिए हम रुकेंगे नहीं, और इसका तीन धारा नाम इसलिए रखा है, पहले यहाँ पे सिर्फ तीन धाराएं निकलती थी जो पानी की धारा होती है, अब तो यहाँ पे खोद खोद के पता नहीं कितनी धाराएं बना दी हैं। और अच्छी जगह है, यहाँ पे सबकी यादें रहती है, जितने भी पहाड़ पहाड़ जाते हैं, जितने भी गाँव गाँव जाते हैं अपने, सबकी एक हल्की हल्की सी यादें समेट देता है ये तीन धारा, और फिर बाद में याद आती है। इसके ना ब्रेक लग नहीं रहे, पीछे के ब्रेक ना लग नहीं रहे, उतरना तुम। पहुंच चुके हम देवप्रयाग, और ये रहा देवप्रयाग का जो हॉस्टल है संस्कृत हॉस्टल, और यहाँ पे वो रहे हमारी गाड़ी खड़ी हो रखी है वहाँ पे संगम कहाँ से दिखेगा। तो ये रहा आगा संगम, अलग नंदर भागीरथी जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे सब, जहाँ पे संगम मिल रहा है वहाँ पे आराम कर रहे हैं, नहा रहे धो रहे हैं। मज़ा आ रहा है आपको राइड करने हैं? बोलो तो कुछ तो बोलो, यहाँ पे मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ, अलग नंदा का जो ब्राउन ब्राउन से, हाँ यहाँ से गंगा बन के ऋषिकेश, बढ़िया है। बंगाली खाड़ी में चलो, हाँ बैठो भाई, पसीने छुड़ गए, 2 मिनट के लिए संगम देखने के गए, हालत टाइट।